जिलेट इंडिया के बारे में, हालांकि शायद अभी बात हुई थी, लेकिन शायद किसी और एक्सपर्ट से बात हुई थी। गजेंद्र मौर्य जी जानना चाहते हैं कि जिलेट इंडिया खरीदा है तो लंबे अवधि के लिए रख सकते हैं क्या? जिलेट इंडिया एक पोर्टफोलियो स्टॉक है मौर्य सर, तो आपको उस हिसाब से ही सोचना चाहिए। जिलेट की परेशानी ये थी कोविड के समय से, कि जब से कोविड आया तब से इनके प्रोडक्ट का कोई वैसा कंजम्पशन था नहीं, और कोविड जाने के बाद भी फिर ग्लोबल सप्लाई चेन बॉटलनेक, रशिया यूक्रेन ये सब चलता रह गया था। तो इनका एक्सपोर्ट पे भी और इनके ओवरऑल सेल्स पे भी, चाहे वो जिलेट इंडिया हो चाहे जिलेट ग्लोबल हो, हर जगह उनका इम्पैक्ट प्रॉपर था। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है कंजम्पशन प्रोडक्ट है और हमेशा कंज्यूम होने वाला प्रोडक्ट है आने वाले समय में, और बहुत ही इनोवेटिव है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिलेट आपका एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, और ये सब ट्रेड वाला स्टॉक नहीं है। गिरता है कभी तो उसको धीरे धीरे बाई करना चाहिए, खरीद के रखना चाहिए, 3-4 साल 5 साल के लिए पोर्टफोलियो में छोड़ देना चाहिए। ये सब स्टॉक से कभी नुकसान नहीं होता है। नुकसान तभी होता है जब जिलेट आप जाके 9,000-8,000 पे खरीद लें और उसके बाद बोले कि अब ऊपर नहीं जा रहा, वहाँ वैल्यूशन का चक्कर आ जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जिलेट लॉन्ग टर्म में कभी किसी को नुकसान देने वाला स्टॉक है। बहुत ही अच्छी एमएनसी जिलेट इंडिया है और वैल्यू भी है। तो ये मेरा तो ऐसा ही मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये बाय डिप्स कैंडिडेट रहना चाहिए, स्टैगर्ड बाइंग इसमें करना चाहिए और रखना चाहिए। जी,